मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हमारे द्वारा ज्वार भाटे का अध्ययन किया जाएगा। अभी तक हमने तरंगों का अध्ययन करा था, तरंगों के अंतर्गत उदाहरण सुनामी का पढ़ा था। आज हमारे द्वारा महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत ज्वार भाटे की क्रिया क्या होती है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं और ये कैसे संपादित होता है, इसका अध्ययन किया जाएगा। ज्वार भाटा समुद्र के पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और समुद्र के पानी का लौटना भाटा कहलाता है। हमारे जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का हिस्सा है, सूर्य सौर परिवार का हिस्सा है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हमारी पृथ्वी पर जल ऊपर की ओर और नीचे ऊपर की ओर उठता है। ये प्रक्रिया ही ज्वार भाटे की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अब हम इसका अध्ययन करते हैं। दिन में दो बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं और जब जल अपने निकटतम स्तर पर आ जाता है या तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। जल का उठना ज्वार कहलाता है और जल का लौटना भाटा कहलाता है। अब बच्चों, ये ज्वार भाटा किस प्रकार से क्रियाशील होता है हमारी पृथ्वी पर, उसका अध्ययन आपके द्वारा किया जा रहा है। देखो, ज्वार भाटे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका लघु ज्वार भाटा होता है और एक आपका बृहद ज्वार भाटा कहलाता है। लघु ज्वार भाटे के और बृहद ज्वार भाटे में क्या अंतर होता है, कैसे होता है, वो अब मैं आपको बताती हूँ। लघु ज्वार भाटा तो प्रतिदिन ही आता है, जबकि बृहद ज्वार भाटा आपके अमावस और पूर्णिमा पर ही दिखाई देता है। समुद्र तट के किनारे पर जो लोग रहते हैं वो इस प्रक्रिया को आसानी से देखते भी हैं और जानते भी हैं, समझते भी हैं। यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले बृहद ज्वार भाटे के बारे में बता रही हूँ। जब हमारा सूर्य और पृथ्वी, इसके बीच में चंद्रमा हो, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो हमारी पृथ्वी का जल चंद्रमा की ओर अट्रैक्ट हो रहा है और सूर्य भी उस जल को अट्रैक्ट कर रहा है तो सबकी दिशाएं एक ही हो गई। ऐसी स्थिति में जल अधिक तेजी से उठता है या बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। और जब हमारी पृथ्वी मिड में होती है, बीच में होती है, एक तरफ चंद्रमा होता है दूसरी तरफ सूर्य होता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों बल अलग अलग दिशाओं में कार्य कर रहे होते हैं। चंद्रमा का बल जो होता है वो अपनी तरफ पानी को खींचता है और सूर्य का बल अपनी तरफ पानी को खींचता है। ऐसी स्थिति में कम ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं समुद्र में। इसे ये जो है हमारे बृहद ज्वार भाटे के अंतर्गत दिया हुआ है। इस ये हमारी स्थिति बृहद ज्वार की अमावस और पूर्णिमा पर ही दिखाई देती है। अब हमारी दूसरी कंडीशन के अंतर्गत लघु ज्वार की स्थिति का अध्ययन करेंगे। लघु ज्वार भाटा दैनिक या नियमित रूप से दिखाई देता है। इसमें हमारे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों की अलग अलग दिशाएं होती हैं। इसमें पानी की गति कम पाई जाती है, कम ऊंचा पानी उठता है। अब बुक में क्या दे रखा है बच्चों, उसको अपन अध्ययन करते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ये लाइन नोट कर लेना। पृथ्वी पर ज्वार भाटे किसके कारण उत्पन्न होते हैं? सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होने लगता है, जिसके कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। पूर्णिमा और अमावस के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को ही बृहद ज्वार कहते हैं।
लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, प्रथम मतलब पड़वा वाले दिन और चतुर्थांश मतलब चतुर्दशी मतलब पूर्णिमा या अमावस के एक दिन पहले का दिन, और प्रथम का मतलब एक दिन बाद का दिन, तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार का नाम दिया जाता है। देखो बच्चों, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी हमारे एक सीध में और चंद्रमा बीच सेंटर में होता है, तो उस स्थिति के अंतर्गत बृहद ज्वार आते हैं, और जब पृथ्वी हमारे मिड में होती है, बीच में होती है, तो हमारे लघु ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन बोलते हैं बच्चों, नौका संचालन, नाव का संचालन में सहायक होते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, इससे जहाज बंदरगाहों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी सहायता करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट पर आ जाती हैं, इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के ही मछलियाँ पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। बच्चों, कल हम महासागरीय धाराओं का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।